आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, सोडियम निष्कर्ष के निर्माण के बिना क्लोरीन का आकलन संभव नहीं है। तो देखिए, सोडियम निष्कर्षण के लिए कौन सा क्लोरीन आसानी से निकल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सोडियम आयन कह दें या फिर सिल्वर आयन कह दें, दोनों का दोनों क्लोरीन को बहुत आसानी से खींच सकता है। कब खींच सकता है? जब उस यौगिक में कंजुगेशन आ जाए। कंजुगेशन कहने का मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए मतलब अनुनाद संरचना बन जाए। अनुनाद संरचना को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी बोल सकते हैं या फिर कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या कोई चार्ज आ जाए या लोन पेयर आ जाए। ठीक है ना, तो अगर ऐसा यौगिक में आ जा रहा है तो उससे सोडियम आयन हो चाहे सिल्वर आयन हो, मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ, सोडियम आयन या सिल्वर क्लोरीन को आसानी से अपनी ओर खींच सकता है। अपनी ओर खींच सकता है। इसके सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है, कारण क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। चेक करते हैं किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और किसमें नहीं है। उसके लिए देखिए, एलाइलिक कार्बन होना चाहिए। एलाइलिक कहने का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होना चाहिए। ठीक है ना, तो पहला वाला तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, चौथा वाला चेक कीजिएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ से क्लोरीन हटा दिया जाए तो ये कार्बोधनायन बन जाएगा, और ये देखा जाए तो कार्बोधनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। चेक कीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, जब ऐसा आ जाता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ये आसानी से क्लोरीन का आकलन संभव कर सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।